अगर आप एक SBI यूजर हैं और आप SBI के बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड कॉन्टैक्टलेस यूज़ करना चाहते हैं, या आप ऑर्डर करने वाले हो या फिर आपने ऑर्डर करके मंगा लिए हो, तब आप इस वीडियो को देख रहे हो कि आखिर SBI का जो डेबिट कार्ड है कॉन्टैक्टलेस, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्टैक्टलेस होता क्या है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कॉन्टैक्टलेस मतलब किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करना है, टच नहीं करनी है, आप डायरेक्ट उसको बिना टच किए पेमेंट कर सकते हो। अब इसको काम कैसे करना है, ये कैसे काम करती है फीचर्स, देखिए आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा, आप कहीं भी ऐसी शॉपिंग मॉल में या कहीं ऐसी प्लेस में आपने देखा होगा एक वहाँ पे मशीन सा रहता है, छोटा सा मशीन, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, मैंने पिक्चर लगा दिया है। आप यहाँ पे कार्ड को स्वाइप कर सकते हो एंड अपने कार्ड को इंसर्ट भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो कार्ड को इंसर्ट करना और एक होता है कार्ड को स्वाइप करना। बट कॉन्टैक्टलेस क्या है कि दोनों में से आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब ना तो आप स्वाइप अप करेंगे, नहीं आप इंसर्ट करेंगे, डायरेक्ट अपने कार्ड को उसके पास ले जाएंगे मशीन के पास, इंस्टेंट आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपके मन में ऐसा बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट क्या सेफ है या अनसेफ है। देखिए, जितना आप नॉर्मल डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो ना, सेम उतना ये भी सेफ्टी है, क्योंकि कोई भी फैसिलिटीज आने से पहले वो सारे लोग पहले टेस्ट करते हैं कि इन फ्यूचर फ्रॉड ना हो जाए, तभी कोई चीज़ रिलीज की जाती है। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि फ्रॉड हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका लिमिटेशन की बात करें तो आप कॉन्टैक्टलेस के द्वारा आप 24 आवर्स के अंदर 10,000 तक स्पेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक ही बार में 10,000 स्पेंड कर पाऊंगा, तो बट ऐसा नहीं है, आप एक ट्रांजेक्शन सिर्फ 2,000 तक कर सकते हो, अप टू 2,000, मतलब इससे ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन करने की लिमिट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि हम कितने बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो आप 5 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप 2,000 करके 5 बार यूज़ कर पाओगे। लेकिन ऐसा मत सोचना कि हम एक ही बार 10,000 कर दें तो बिल्कुल परमिशन नहीं मिलेगी, आपको एक बार में अप टू 2,000 ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कॉन्टैक्टलेस फीचर हर जगह आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं पेमेंट सभी जगह कर दूं और ऐसा मशीन देखे, तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले जानते हैं कॉन्टैक्टलेस जो कार्ड है उसका हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि इसमें कॉन्टैक्टलेस फीचर दी हुई नहीं। देखिए, अगर जो कार्ड के ऊपर ना आपको वाईफाई का सिंबल दिख रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये कार्ड कॉन्टैक्टलेस सपोर्ट करती है। जैसा यहाँ पे आपको ये आइकन दिख रहा है ना, मतलब ये जो पहचान है वाईफाई का सिंबल, सेम इसी तरीके से उस मशीन के ऊपर भी दिखेगा जहाँ आपको कॉन्टैक्टलेस की फीचर मिलेगी। जब तक उस मशीन के अंदर ये वाला फीचर नहीं, मतलब ये वाला आइकन शो नहीं होगा ना, तो फिर आप उस कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो आप हर जगह पेमेंट नहीं कर सकते, जहाँ आपको ये फीचर मिलेगा, आइकन शो होगा जैसा आपके कार्ड पे शो हो रहे हैं, सेम उसी तरीके से वहाँ भी आइकन शो होगा, इस तरीके से वाईफाई का सिंबल है। तो इसका मतलब समझ जाओ कि वहाँ कॉन्टैक्टलेस कार्ड काम कर पाएगा। लेकिन जिस मशीन के ऊपर ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर आप कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाओगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत समझना कि डेबिट कार्ड है तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आप नॉर्मल डेबिट कार्ड के जैसा पेमेंट कर सकते हो, लेकिन हाँ कॉन्टैक्टलेस द्वारा पेमेंट आप नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गई होगी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास SBI का बैंक अकाउंट है ना, तो हम यहाँ पे ये भी सीख लेते हैं कि हमें कॉन्टैक्टलेस फीचर्स को एक्टिवेट किस तरीके से करना है। क्योंकि देखिए, जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करोगे ना, तो फिर आप इस डेबिट कार्ड से ना कॉन्टैक्टलेस फीचर्स होने के बावजूद भी आप पेमेंट वहाँ पे अप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले ई कॉमर्स के जैसे आपको कॉन्टैक्टलेस फीचर्स को भी यहाँ पे एक्टिवेट करनी पड़ती है। एक्टिवेट करना है, चलिए चलते हैं सीधे मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। सबसे पहले योनो ओपन करेंगे, कार्ड के सेक्शन पर टैप करें, डेबिट कार्ड पर टैप करेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन, बटन के साइड यही मिलेगा मैनेज यूएस एंड लिमिट, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, यहाँ पर आप नीचे में देखोगे तो मिलेगा कॉन्टैक्टलेस एंड FC ट्रांजेक्शन, बस आपको यहाँ पर इनेबल कर देनी है। सेव चेंज पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड को फिल करके सबमिट करेंगे, तुरंत अपडेट हो जाएगी, उसके बाद आप कॉन्टैक्टलेस फीचर्स को यूज़ कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।